दोस्तों आज के वीडियो में बताएंगे कि कैसे भेज राइस बनाया जाता है या बचे हुए चावल को भुना जाता है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से बता पाएंगे आपको किस तरह से चावल को भून करके दोस्तों आप बचे हुए चावल को आराम से भून के अच्छे तरीका से बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्ट दोस्तों खा सकते हैं। तो आज के वीडियो दोस्तों यही होगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप अपने घर में जब चावल बनाते हैं तो चावल जब एक्स्ट्रा बच जाता है दोस्तों उसको क्या करना है आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों तो स्वागत है आपको दोस्तों मेरे चैनल पे दीपक का लाइव में। दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे कि बचे हुए चावल को किस तरह से भून के खाना है और बेहतरीन रेसिपी बनाना है आज की वीडियो में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने भेज को काट कर रख लिया है, प्याज है, बंधा है, मटर है, धनिया पत्ता है और ये टमाटर और हरी मिर्च है। सबसे पहले दोस्तों हमने सभी भेज को काट लिया है और पहले से हमारा चावल बचा हुआ है दोस्तों, इसको पहले फ्रिज में रख लेते हैं। दोस्तों अब देखिए दोस्तों ये टमाटर सॉस है और चिल्ली सॉस है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी होने वाला दोस्तों हमारा भेज राइस। बचे चावल को किस तरह से भूंज करके बेहतरीन टेस्टी स्वादिष्ट बना करके दोस्तों आप खा सकते हैं आराम से दोस्तों। तो लगभग दोस्तों आपके लिए लगभग चावल का बचा हुआ है हमारा, लगभग हमने 100 ग्राम तेल कढ़ाई में डाल दिया दोस्तों। तेल को पकने के बाद दोस्तों खड़ा जीरा थोड़ा सा दे दिए हैं, खड़ा जीरा जैसे जैसे लाल होगा फिर उसमें हम प्याज डालेंगे। तो दोस्तों वीडियो में जुड़े रहिएगा, बहुत ही आज का वीडियो खास होने वाला है। हर किसी को घर में बचे चावल को बर्बाद होता है तो उसको भून के आराम से आप खा सकते हैं रात में फ्रिज रख कर, या आप शॉर्ट में ही बनाना चाहते हैं तो सब्ज़ी बिना बनाए खाली चावल बना करके भून के खा सकते हैं। दोस्तों हमने तो कई बार अपने स्टूडेंट लाइफ में इस तरह से किया है कि बस चावल डाइट बनाए और भून के खा लिए, सब्ज़ी का कोई बखेरा नहीं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले खड़ा जीरा पका लिया, सूखा मिर्च, हरा मिर्च दे दिया दोस्तों। दोनों को लाल होने के बाद दोस्तों हमने प्याज दे दिया, प्याज लगभग 250 ग्राम प्याज है। प्याज को दोस्तों आराम से चलाएंगे और चूल्हा लग रहा है धीरे धीरे, और प्याज को अच्छी तरह से दोस्तों पूरा लाल कर लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे दोस्तों। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है और बहुत ही टेस्टी भेज राइस बनने वाला है दोस्तों, या कहे तो बचे हुए चावल को भून करके टेस्टी बना करके खाने का आनंद कुछ और है। तो दोस्तों हमने फूल गोभी को कटिंग करके रखा था, फूल गोभी को भी दे दिया दोस्तों। प्याज लाल होने के बाद अब फिर इसको दोस्तों लाल होने देंगे थोड़ा सा, मतलब इसको पकने देंगे, लाल तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा पकाएंगे इसको दोस्तों। मटर भी हमने दे दिया है, तो दोस्तों जुड़े रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ पाइएगा किस तरह से बनेगा दोस्तों भेज राइस। अब देखिए मटर भी इसमें डाल रहे हैं, उसमें मटर नहीं दे पाए थे दोस्तों, अभी मटर दे रहे हैं। अब सभी चीज़ को भून लेंगे, उसके बाद दोस्तों ये देखिए बिरयानी मसाला है और पास्ता मसाला है, ये दोनों टेस्ट लाएगा चावल में दोस्तों। वैसे आप जनरली आपके घर में कोई भी प्याज हो, हरा मिर्च हो, धनिया पत्ता हो, मटर, हर घर में हर किचन में तो रहता है दोस्तों, या जो भी भेज का सामान हो कटिंग करके आप चावल को भून करके टेस्टी बेहतरीन एकदम न्यू स्टाइल में स्पेशल रेसिपी चावल का बना सकते हैं दोस्तों और खा सकते हैं अगर सब्ज़ी नहीं भी है तब भी। तो दोस्तों हमने देखिए वो बिरयानी मसाला दे दिया था दोस्तों, उसमें बारी बारी से चलाते रहेंगे ताकि जले नहीं, चूल्हा लगा हुआ है, थोड़ा सा पकने देंगे तभी भी इसमें भून पाएंगे अच्छी तरह से इसको। तो दोस्तों हमने चावल को डाल दिया है, अब देखिए चावल को चलाएंगे दोस्तों, हमारा भेज पक चुका है, चावल को बस 2-4 मिनट भूनेंगे, बस हमारा भेज राइस दोस्तों तैयार है, बहुत ही बेहतरीन और स्वादिष्ट भेज राइस गर्मा गर्म खाने को तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमने सभी भेज को थोड़ा सा भून दिया। घर में तो आमतौर पर लोग भून के खाते ही हैं दोस्तों, लेकिन ये एकदम बहुत स्पेशल स्टाइल है दोस्तों, ये तरीका घर में अजमाए बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें अभी नमक दिया गया दोस्तों और थोड़ा सा हमने चटनी बना कर रख लिया था दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको झलक दोस्तों, ये मसाला दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो देख करके अधूरा मच जाएगा छोड़ के दोस्तों। ये जो दोनों मसाला बताए थे दोस्तों मसाला दे दिए, अब टमाटर लास्ट टाइम देंगे, टमाटर पहले नहीं देंगे दोस्तों। अगर आपको टमाटर यूज करना है भेज राइस में तो टमाटर लास्ट में देना है टमाटर, क्योंकि पानी छोड़ेगा फिर गीला होगा फिर परेशानी होगा दोस्तों। तो लगभग हमारा भेज राइस तैयार हो चुका है, देख सकते देखने में कितना अच्छा सुंदर कलर आया है दोस्तों। अब लास्ट टाइम है तो थोड़ा सा टमाटर चिल्ली दे करके अपना भेज राइस को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगता है मेरा वीडियो दोस्तों बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आज का ये रेसिपी भेज राइस कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा।
तो दोस्तों उस पर से लास्ट टाइम दोस्तों धनिया पत्ता को छीट दिए हैं, देखने में खूबसूरत भी लगेगा और खाने में टेस्टी भी लगेगा। तो दोस्तों हमारा भेजा तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का रेसिपी? बहुत ही शॉर्ट रेसिपी था दोस्तों, बताइएगा दोस्तों कैसा लगा भेज राइस या बचे चावल का भुजा भूजने का स्टाइल। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।